एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी जो जानी जाती हैं अपनी करेक्टर एक्टिंग के कारण, उन्होंने कोरोना वायरस पे और लॉकडाउन पे दिया है बयान। क्या है उनका कहना कोरोना पे और लॉकडाउन पे, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, हिमानी शिवपुरी की बात करें तो आपने उनको DDLJ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, हीरो नंबर वन जैसी मूवीज़ में देखा होगा और उन्होंने कॉमेडी से लेके सीरियस एक्टिंग तक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं उनको अपनी एक्टिंग के कारण। क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स ने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें की हैं उनकी एक्टिंग के लिए और 90 से लेके 2000 तक उन्होंने ज़्यादातर मूवीज़ में काम किया है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस और लॉकडाउन की, तो आम लोगों को तो इसका नुकसान हुआ है, लेकिन कलाकारों पे क्या बीत रही है ये बताया है हिमानी शिवपुरी ने। हिमानी ने कहा कि पिछले साल उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ना ही उनके पास कोई खास सेविंग थी और ना ही कोई इनकम का सोर्स, और इसलिए उनको अपना घर चलाने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर हम हिमानी की माने तो उनका कहना यह है कि जो पुराने कलाकार हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो भी काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम स्ट्रगलर्स की बात करें तो उनका संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जिनका काम चलता रहता है बॉलीवुड में, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस और लॉकडाउन के लिए। लेकिन हिमानी ने साथ साथ लोगों को ये भी अपील की है कि कोरोना वायरस को लाइटली ना लीजिएगा, ये काफी ज्यादा सीरियस बीमारी है और आप अपने घरों से बाहर ना निकलेगा। और उनको ये भी उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब लोग फिर से अपने कामों पे वापस जाएंगे और फिर से हमारी जो नॉर्मल इनकम है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो इन दोनों इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी ज्यादा डेली सोप्स को रिपीट टेलीकास्ट पे चलाना पड़ रहा है और काफी ज्यादा शोज की शूटिंग को रोक दिया गया है। अगर हम मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी भी टीवी सीरियल, फिल्म और एड का शूट नहीं होगा, और इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे जाके शूटिंग को शुरू कर रहे थे। और फिर गोवा की गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का शूट नहीं करने देंगे। तो अब देखना यही बाकी है कि कब तक कलाकार अपनी इनकम को तरसते रहेंगे और क्या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव वर्क है जिसको वो फिलहाल के लिए कर सकते हैं। आपकी क्या राय है हिमानी शिवपुरी के इस बयान पे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।